खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और न्यूज एट 7 में अब यूपी के बाद बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक बार फिर से फ्री मॉडल लॉन्च हो गया है। चुनाव सर पर आ रहे हैं, केजरीवाल साहब फ्री चीजें बांटने के माहिर हैं। इस बार उन्होंने बिजली को फ्री करने का ऐलान किया है और बीजेपी इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है। जो जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। करीब 200 दिन बाद दिल्ली में चुनावी दंगल है और इस दंगल में मंगल करने के लिए केजरीवाल ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का बड़ा दांव खेल दिया। और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। पहले 200 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको बिल देना पड़ता था, अब 200 यूनिट तक कोई पैसे नहीं देने होंगे। पहले 201 से 400 यूनिट तक 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ता था, अब करीब 50% सब्सिडी मिलेगी। केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि अगस्त में 35%, वहीं सर्दियों में 70% दिल्ली वालों को फ्री बिजली का फायदा मिल सकता है। जो डेटा है उसके हिसाब से अगस्त के महीने में लगभग 35% कंज्यूमर्स हैं जो 200 यूनिट के नीचे हैं और ये बढ़ते बढ़ते सर्दियों के महीने में लगभग 70% हो जाते हैं जो 200 यूनिट के नीचे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी इसे केजरीवाल का चुनावी स्टंट बता रही है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस फैसले का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आने पर फिर वैसा ही इन्होंने झांसा देने की कोशिश की है जैसा इन्होंने चुनाव 2015 के पहले किया था, पानी माफ बिजली हाफ। अब फिर चुनाव आया है तो फिर एक चुनावी लालच दिए हैं। 200 यूनिट तक बिजली हमने दिल्ली के हर घर को मुफ्त देने की बात की है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कभी जुमलों की सरकार नहीं हुई, जो कहती है वो करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान एक नारा दिया था और वो नारा था बिजली का बिल हाफ, पानी का बिल माफ। सरकार बनने के बाद में जो एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया उसके तहत 20,000 लीटर तक के पानी को दिल्ली में मुफ्त कर दिया गया था और अब जबकि सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, केजरीवाल सरकार का ये फैसला उसी कड़ी में लिया गया एक और फैसला बताया जा रहा है।